नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जो कि अमृतसर में है, श्री राम तीर्थ मंदिर। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री राम तीर्थ मंदिर ऋषि वाल्मीकि का प्राचीन आश्रम है। भगवान राम को समर्पित यह मंदिर अमृतसर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था तब ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें इसी आश्रम में आश्रय दिया था। रामायण काल के समय इस मंदिर में कई मंदिर हैं और इसके परिसर में एक पुराना तालाब भी है। मंदिर में एक झोपड़ी है जहां भगवान राम के बेटे लव और कुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के प्राचीन तालाब की खुदाई स्वयं श्री भगवान हनुमान जी ने की थी। दोस्तों ऋषि वाल्मीकि की झोंपड़ी और सीढ़ी वाला कुआं जिसमें सीता जी स्नान करती थीं, उसको मंदिर के परिसर में संरक्षित किया गया है। नवंबर के महीने में पूर्णिमा के दिन श्री राम तीर्थ मंदिर में एक 4 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ घूमना सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों यहीं इसी आश्रम में लव कुश के जन्म होने के बाद वाल्मीकि जी ने उन्हें सत चलाने की शिक्षा दी थी। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था तब इसी स्थान पर लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और श्री राम के साथ युद्ध भी किया था। इस मंदिर के समीप जो सरोवर है उसका डायामीटर 3 किलोमीटर है। इसके आसपास अनेक मंदिर बने हुए हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। सरोवर के चारों तरफ 30 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ है। सरोवर में स्नान करने के पश्चात भक्त यहाँ सरोवर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ एक प्राचीन बावली भी है जिसे सीता माता यहाँ स्नान किया करती थी। इसे माता सीता दी बावली भी कहा जाता है। मंदिर के समीप ही प्राचीन कई मंदिर हैं, मैं आपको बारी बारी से कुछ नाम बताता हूँ। श्री राम मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर, महर्षि वाल्मीकि जी की धुना, सीता जी की कुटिया, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, सीता राम मिलाप मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। दोस्तों आप जब भी अमृतसर पंजाब आएँ तो श्री राम तीर्थ घूमना ना भूलें। गोल्डन टेंपल, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, दुर्गियाना टेंपल, श्री राम तीर्थ, गोविंदगढ़ फोर्ट जैसी बहुत टूरिस्ट प्लेसेज हैं अमृतसर में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत। वीडियो को अंत तक देखते रहें। थैंक यू।